मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 6 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी चिंता चाहिए, और उत्तर में बाबा कहते, हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है, पावन बनने का फुरना चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं, बाप अकेला क्या करेगा। इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है, पहले स्वयं को पावन बनाना है। ओम शांति। यह तो ज़रूर बच्चे समझते हैं कि हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, वहाँ सेंटर्स पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुबन में है, बाप की मुरली चलती ही है बच्चों के लिए। तो बच्चे समझेंगे, हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने, मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है, मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आई है ना, तो बाप ने समझाया है कि तुम फील करते हो, है ना, बाप ने समझाया और तुम वो फील करते हो। बरोबर, हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे, ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं है। यहाँ जब आते हैं तो तब निश्चय बुद्धि होते हैं। बरोबर, हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तुम सत्युग में कितने समझदार विश्व के मालिक थे, कोई मूर्ख थोड़े विश्व के मालिक बन सकते हैं। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इतने समझदार थे तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते। जड़ चित्र तो कुछ बोल ही नहीं सकते, शिव बाबा की पूजा करते हैं वो कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं, पूजा करने वालों को भी पता नहीं है कि ये ज्ञान सुनाने वाला बाप है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं कि उसने मुरली बजाई। जिसकी पूजा करते हैं उसके ऑक्यूपेशन को तो बिल्कुल ही नहीं जानते, तो यह पूजा आदि निष्फल ही हो जाएगी। जब तक बाप आए तुम बच्चों में, तो बाबा कहते हैं ये पूजा निष्फल हो जाएगी जब तक बाप आए, फल ही नहीं मिलेगा उसका, है ना। तो तुम बच्चों में कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े नहीं है, अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं। तुम समझते हो बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप को कहा ही जाता है सत्य। नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं, अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप आते हैं, अब नर से नारायण बनना है तो जरूर सत्युग स्थापन करेंगे ना, तो पुरानी दुनिया कलयुग थोड़ी बनेगी। कथा सुनने समय ये कोई को बुद्धि में नहीं होता कि हम नर से नारायण बनेंगे, और अभी तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखलाते हैं, यह भी कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर समझाता हूँ, युग युग कैसे आऊँगा। ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो कि ये रथ है, ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म पतित। अब यह भी पावन बनते हैं, हम भी बनते हैं, सिवाय योग बल के कोई पावन बन नहीं सकता, विकर्म विनाश हो न सके। पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते, यह है योग अग्नि। पानी गर्म होता है आग को बुझाने वाला, और आग होती है जलाने वाली। तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विकर्म विनाश हो। सबसे ज़्यादा गुरु आदि इसने किए हैं, शास्त्र भी बहुत पढ़े। इस जन्म में जैसे पंडित था लेकिन उससे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं, पाप ही करते आए। बाप ने समझाया है, जो अपने को बच्चे समझते हैं
तो इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं जबकि सम्मुख बाप आया है तो कर्म बता देनी चाहिए तो हल्का हो जाएगा और इस जन्म में हल्के हो जाएंगे। फिर पुरुषार्थ करना है, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझा जो सिर पर है उसे उतारना है। बाप योग की बात समझाते हैं, योग से ही भी कर्म विनाश होंगे, ये बातें तुम अभी सुनते हो, सत्युग में ये बातें कोई सुना ही ना सके, ये सारा ड्रामा बना हुआ है, सेकंड बाय सेकंड ये सारा ड्रामा फिरता रहता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, सेकंड बाय सेकंड आयु भी कम होती जाती है। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो और योग से आयु को बढ़ाते हो। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं परंतु कई समझते ही नहीं, कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, तब बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं, यह है याद की यात्रा। बाप को याद करते करते पाप कटते जाएंगे, अंत मति सो गति हो जाएगी। इस पर एक मिसाल भी देते हैं कि कोई ने किसी को कहा कि तुम भैंस हो तो बस वह समझने लगा कि मैं तो भैंस ही हूँ, बोला इस दरवाजे से निकलो तो वो बोला मैं तो भैंस हूँ कैसे निकलूँ, सचमुच जैसे भैंस ही बन गया। यह एक मिसाल बैठ बनाया है, बाकी कोई ऐसा है नहीं, यह कोई यथार्थ मिसाल नहीं है, हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। इस समय बाप तुमको जो समझाते हैं उनके फिर भक्ति मार्ग में त्यौहार मनाए जाते हैं, कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं, बाकी समय जो कुछ होता है उनके त्यौहार बन जाते हैं। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो तो मेले मलाखड़ों में तो कितने मैले होते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप मिट जाएंगे, बाबा का खुद ये सब किया हुआ है। नासिक में पानी बहुत गंदा होता है, वहाँ जाकर मिट्टी मलते हैं, समझते हैं बाप पाप विनाश हो जाएंगे, फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका साथ ले जाते थे और फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। आगे एरोप्लेन मोटर आदि थे नहीं, 100-150 वर्षों में क्या क्या बन गया है। सत्युग आदि में ये साइंस आदि काम में आती है, वहाँ तो महल आदि बनाने में देरी नहीं लगती। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम सहज कर लेती है, जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं और वहाँ सोने की होती हैं। इस पर माया मच्छंद्र का खेल भी दिखाते हैं, यह तो उन्होंने नाटक बैठ बनाए हैं दिखाने के लिए। बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें हैं, उसको कहा ही जाता है गोल्डन एज और इसको कहा जाता है आयरन एज। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं, चित्र भी उनों के कायम हैं, कहते भी हैं आदि सनातन धर्म और फिर हिंदू धर्म कह देते हैं, देवता के बदले हिंदू कह देते हैं, क्योंकि विकारी हैं तो देवता कैसे कहें। तुम कहाँ भी जाते हो तो ये समझते हो क्योंकि तुम हो मैसेंजर पैगंबर, बाप का परिचय हर एक को देना है। कोई झट समझेंगे कि ये बरोबर तुम ठीक कहते हो, दो बाप बरोबर हैं, कोई कह देंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है, तुम समझते हो एक से हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए। यह ज्ञान भी अभी है और वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता, संगम पर ही वर्षा मिलता है जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाय जन्म तुम राज्य करते हो। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, ये तुमको अभी मालूम पड़ा है। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको कोई संशय उठाने की बात नहीं, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा आएंगे तो ज़रूर कुछ वर्षा देते होंगे, इसलिए बाबा कहते हैं ये बैज बहुत अच्छा है, इसे सदा लगा कर रखना है, घर घर में मैसेज देना है, फिर कोई माने या ना माने। विनाश आएगा तो समझेंगे भगवान आया हुआ है और फिर जिनों को तुमने मैसेज दिया होगा वो याद करेंगे कि ये सफ़ेद पोश वाले फरिश्ता कौन थे। सूक्ष्म वतन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना, तुम जानते हो कि मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं तो हम भी बनेंगे। ये सब बातें बाप इसमें प्रवेश कर तुमको समझाते हैं, डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। जो बाबा में नॉलेज है वह तुम बच्चों में भी है।
जब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पार्ट भी पूरा हो जाता है। फिर जो पार्ट मिला है वह सुख का पार्ट बजाते हैं और ये नॉलेज भूल जाती है। तो तुम बच्चे कहीं भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी यह बैज साथ में ज़रूर चाहिए। भल कोई हंसी करे, इस पर क्या हंसी करेंगे, तुम तो यथार्थ बात सुनाते हो। यह बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव बाबा, वह कल्याणकारी है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, यह सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर भूलना क्यों चाहिए। बात तो बिल्कुल सहज है, चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम, तुम बच्चे यहाँ आते हो मुरली सुनकर जाते हो, फिर सुनानी भी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए, ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए, तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। अगर एक ब्राह्मणी कहीं चली जाती है तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती, क्या धारणा नहीं की है। स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक चाहिए, मुरली तो बहुत सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। एक बाप ही है जो सब कुछ जानते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने की भी नहीं रहता। सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ, सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है, इसमें ही तुम अंगुली देते हो। पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना है ना, तो बाप सभी बच्चों पर नज़र रखते हैं ना, सब शांति धाम में चले जाएं, सबका अटेंशन खिंचवाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे, मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ तो पवित्र हो जाए। जिनका पूरा योग बल होगा वह समझेंगे बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है, बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। मददगार बच्चे भी चाहिए ना, खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे, तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ही पावन बनने की, गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ, बाप को बुलाते ही हैं हे पतित पावन आओ। अब वह अकेला क्या करेगा, खिदमतगार चाहिए ना, तुम जानते हो हम विश्व को पवित्र बनाकर फिर सारे विश्व पर राज्य करेंगे। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, ये नशा चढ़ना चाहिए, यह है रूहानी बात। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, यह भी समझते हो कि शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सिर पर इस याद की यात्रा का ही फुरना है, पुरुषार्थ करना है, धंधा आदि करते भी याद की यात्रा रहे। एवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं, इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही हैं, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है, खाते पीते चलते फिरते ये क्या बाप को याद नहीं कर सकते, कपड़ा सिलाई करते बुद्धि योग बाप की याद में रहे। बहुत सहज है, यह तो समझते हो कि 84 का चक्र पूरा हुआ है, अभी बाप हम आत्माओं को भी राजयोग सिखलाने आए हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, कल्प पहले भी ऐसा हुआ था जो अब फिर रिपीट हो रहा है, यह रेपिटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। हर एक को ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, वह बजाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो सतोप्रधान बनेंगे और फिर यह शरीर भी छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अब यही है कि हम आत्मा सतोप्रधान बने, क्योंकि वापिस घर जाना है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ तो कहेंगे एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है, वहाँ तो दुख की बात ही नहीं, यहाँ ये दुख धाम है। पुराने शरीर हैं तो समझते हैं इनको छोड़ अब वापस अपने घर जाएं। बाप को निरंतर याद करना है, वह निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है।
वही आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं, साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तुम अब एक बाप से योग लगाओ, तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो, तो पाप कटते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, मुरली सुनकर फिर सुनानी है। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है। कल्याणकारी बनना है, बैज मैसेंजर की निशानी है, ये सदा लगा कर रखना है। और सेकंड पॉइंट है, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नज़र बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। बाबा ने आज वरदान दिया, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्मयोगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। ऐसे कर्मयोगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव ही नहीं होगा। स्लोगन है, परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। ओम शांति।